मंदिर नारायणगढ़ के 8वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ नारायणगढ़ शहर के मुख्य बाजार से होकर साईं बाबा की भव्य पालकी एवं शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा का शहर में कई जगह स्वागत भी किया गया और श्रद्धालुओं को जलपान करवाया गया। ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुई इस शोभा यात्रा में विशेष बात ये रही कि बाबा की पालकी को हर भक्त अपने कंधे पर उठाने के लिए उत्सुक नजर आया। ये शोभा यात्रा मंदिर से शुरू होकर स्थानीय सुभाष चौक, अंबेडकर चौक, मेन बाजार, पुरानी सब्जी मंडी और अग्रसेन चौक से होती हुई वापस साईं मंदिर पहुंची। तो वहीं साईं मंदिर में सुबह काकड़ आरती का आयोजन शिरडी साईं मंदिर महाराष्ट्र के मुख्य पुजारी सुलाखे गुरु जी द्वारा किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों सहित अन्य लोगों ने साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। अपने नारायण गढ़ में नारायण स्वरूप साईनाथ का आगमन होके 8 साल पूरे हुए। इसके पहले बाबा ने अनेक लीलाएं की है, देखी है। विशेष करके मंदिर में कई बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संकट आए, चोरी हुई, अन्य प्रकार के सभी यहाँ कष्ट हुए, पर बाबा ने। तो वहीं साईं धाम सेवा समिति के प्रधान मनीष मित्तल ने बताया कि आज साईं मंदिर नारायणगढ़ का 8वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नारायणगढ़ साईं मंदिर में विशाल साईं भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्व विख्यात सूफी एवं लोकप्रिय पंजाबी गायक गुरदास मान बाबा का गुणगान करेंगे। 27 मार्च 2022 को 8वां स्थापना दिवस समारोह साईं मंदिर नारायणगढ़ में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस आयोजन में शिरडी मंदिर के मुख्य पुजारी सुलाखे जी महाराज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आए हुए हैं। 26 मार्च की काकड़ आरती सुलाखे जी महाराज के करकमलों द्वारा हुई। आज सुबह की काकड़ आरती भी सुलाखे जी महाराज के करकमलों के द्वारा हुई। आज की काकड़ आरती में हजारों की संख्या में भक्त थे। 26 मार्च को बाबा की विशाल पालकी का आयोजन किया गया, जिसमें न केवल नारायणगढ़ के बल्कि आसपास के और पूरे ज़िले के भक्तजनों ने भाग लिया। बड़ी ही भव्य पालकी थी, जिसका पूरे शहर में लोगों ने बहुत ही उत्सुकता से स्वागत किया और आज नारायणगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये नारायणगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन होगा। आज गुरदास मान जी विश्व विख्यात सूफी गायक बाबा की भजन संध्या करने साईं मंदिर नारायणगढ़ में आ रहे हैं और लगभग 50 से लेकर 60 हज़ार लोगों के लंगर की व्यवस्था की गई है। शोभा यात्रा में जहां भारी संख्या में मौजूद महिलाएं भक्ति गीतों को गाते हुए झूम रही थी, तो वहीं समिति के सदस्य और युवकों की टोली भी साईं के गानों पर जमकर थिरके। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।